हेलो फ्रेंड्स, वन्नास कुक बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी स्टाइल गट्टे की सब्जी, एकदम ऑथेंटिक। दही में हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और बिना सोडा हम बनाएंगे गट्टे जो मुंह में घुल जाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ पे एक कंटेनर में मैंने लिया है 1.5 कटोरी बेसन, और इसके साथ ही ऐड करेंगे नमक एज पर टेस्ट, थोड़ा सा जीरा और सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन जिसे हम हाथ में मसल कर यूज करेंगे। इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो मलाई या फिर इसमें आप पनीर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसका आटा लगाएंगे। आटा मैं सिर्फ दही से लगा रही हूँ जिससे कि गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल सोडा या कुछ और ऐड नहीं किया है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें दही को यूज़ करना है जिससे कि ज़्यादा सॉफ्ट आटा ना बने। तो बेसन का जो हमारे गट्टे वाला आटा है बिल्कुल रेडी है, न ज़्यादा कड़क है और न ही ज़्यादा है सॉफ्ट। तो इसे अब हम मसल लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लेंगे। तो अब हम हाथ में थोड़ा तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, और इन्हें हम हाथों के बीच में रोल कर लेंगे और गट्टे का शेप देंगे। तो हमें इस तरह से इसे दोनों हाथों के बीच में रोल करके इस तरह शेप देना है। तो गट्टे की ये जो लंबी लड़े हैं वो हमारी रेडी है। अब मैंने यहाँ पर कर रहा है गर्म पानी। पानी जब आपका उबलने लगे उसके बाद एक एक करके ही इस लड़ को हमें डालना है, और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें पकाना है जब तक कि ये ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले से ना दिखने लग जाए। इसके बाद हमारे गट्टे बिल्कुल रेडी है। तो ये पानी हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो गट्टे आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, हींग और एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट नहीं हो जाता। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप अदरक लहसुन और प्याज को भी हटा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप सिर्फ दही की ग्रेवी में भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पानी और इसके साथ थोड़े से सूखे मसाले जैसे कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर, यह है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से हमारे पक जाए। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर जिसको मैंने प्यूरी कर लिया था। इसे हम अच्छे से चला लेंगे और ढक कर मीडियम टू लो हीट पर पकाएंगे जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो टमाटर हमारा अच्छे से अब पक चुका है। तो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 200 ग्राम दही जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था, और दही ऐड करते वक्त आप फ्लेम एकदम लो रखें और इसे लगातार चलाते हुए पकाएं जब तक कि ग्रेवी में बॉईल नहीं आ जाता। दही को लगातार चलाते हुए पकाना ज़रूरी है ताकि वो फटे नहीं। तो ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आने लगा है, तो इसे अब हम ढक कर पका लेंगे लो फ्लेम पर जब तक कि दही का कच्चापन नहीं चला जाता। तो ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी है, तेल छूटने लगा है, मतलब दही अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम जब भी ग्रेवी में डालेंगे तो जिसमें हमने गट्टे उबाले थे वही पानी हमें ऐड करना है, उसमें गट्टे का सारा फ्लेवर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं 2 से 3 गट्टों को क्रश करके डाल रही हूँ जिससे ग्रेवी का फ्लेवर भी बढ़ेगा और ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी। और इसमें डालेंगे गट्टे। आप चाहें तो गट्टों को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर स्टीम गट्टे भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे अब हम ढक कर पका लेंगे। इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ नमक एकदम एंड में, और इसे ढक कर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। हमारा राजस्थानी गट्टे का साग बिल्कुल रेडी है। इसे अब हम गार्निश करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ, थोड़ा सा गरम मसाला और भुने हुए जीरे का पाउडर। एंड में यहाँ पर ऐड ज़रूर करें 2 चम्मच देसी घी जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस सब्जी को और रिच बनाने के लिए आप इसमें फ्रेश क्रीम या मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें चपाती या रोटी के साथ। तो इसे मेरी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।